हेलो यूट्यूब फैमिली, मेरे पास बहुत सारे कमेंट आ रहे थे कि हमारे डॉग के कान फ्लाई कर रहे हैं, उसका क्या सलूशन कर सकते हैं। तो जैसे ये लैब्राडोर है या आपका पग है या रॉटवीलर्स है, तीनों में अगर कान फ्लाई कर रखे हो तो डॉग की पर्सनैलिटी ख़राब हो जाती है। पहले तुम्हारे को ये पता होना चाहिए इसका रीज़न क्या रहता है, कान फ्लाई क्यों करते हैं डॉग के। मेनली जो ग्रोइंग स्टेज में थोड़ा कैल्शियम की डिफिशेंसी रह जाए या डॉग ज़्यादा अलर्ट रहता है, तब उसकी वजह से भी कान फ्लाई करने लग जाते हैं। तो आज मैं इसका टेपिंग मेथड सिखाऊंगा आपको, जिससे कि कान बिल्कुल ड्रूपी लगने लग जाएंगे। जैसे ये डॉग कान फ्लाई कर रहा है, इसके लिए टेपिंग करनी पड़ती है। बड़ा ही आसान मेथड है, आपको ये टेपिंग करोगे डॉग के कान बिल्कुल ठीक हो जाएंगे। तो उसके लिए दोस्तों हमारे को ये डायना प्लस की जरूरत पड़ती है। ये मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक डाल दूंगा, वहाँ से आप ले सकते हैं। तो इसको हम छोटे छोटे पीसीस में डिवाइड कर लेते हैं। ये जैसे हमने डायना प्लस लिया, इसका ना फेस पकड़ो, इसका मैं आगे थोड़ा सा जूम करके दिखाऊं। जो ये कानों के जो उनसे आउटर मार्जिन है उसको साथ में करना है हमने, ऐसे ये कर लेना है, इस टाइप से बना देना। दोबारा से करके आपको दिखा रहा हूँ मैं, आउटर मार्जिन को इकट्ठा करना है हमने और इस पर डायना प्लस लगा देनी है ऐसे। इसमें दोस्तों जो ध्यान रखने वाली चीज़ होती है वो ये है कि डायना प्लस को इतना कस के नहीं लगाना कि इसका यहाँ का ब्लड सर्कुलेशन ही ख़त्म हो जाए। इस तरह से करके रख देना है हमने, इस तरह से। अब दूसरे कान पे करके दिखाऊंगा मैं आपको, आपके पास ही बता दो। ऐसे इसके ये वाले मार्जिन हमने इकट्ठे करने हैं, ऐसे सही आ रहा है ना। इसमें ये इकट्ठा किया हमने, ये डायना प्लस को करा और इसको यहाँ पर लगा देना है हमने। ध्यान रखने वाली बात यह है कि इसका खून का दौरा बंद नहीं होना चाहिए, जो ब्लड सर्कुलेशन है पूरी चलती रहना चाहिए, उसके बाद ऐसे कर देना है। तो दोस्तों इसकी इंटरवल ये रखने हैं कि हमने दो दिन इसको हमने टेप लगा के रखनी है और एक दिन उसको खुला रखना है। अगर हम इसको रेगुलरली टेप लगा के रखेंगे तो कई बार फंगस हो जाती है। तो इस टाइप के अगर आपके डॉग के ईयर्स के अंदर स्मेल आने लग जाए या कुछ भी चिकनाहट सी दिखाई दे, फंगस टाइप की ग्रोथ हो जाए, तो उसके लिए न्योस्पोरिन पाउडर आता है। ये फोटोग्राफ में आपको पता लग जाएगा, ये मेरा बड़ा फेवरेट रहता है हमेशा। तो कभी भी आपके डॉग के कानों में प्रॉब्लम लगने लगे टेपिंग की वजह से, तो आप न्योस्पोरिन पाउडर लगा सकते हैं। तो एक पार्ट टू भी बनाऊंगा मैं टेपिंग का, उसके अंदर हम जर्मन शेफर्ड को कवर करेंगे। जर्मन शेफर्ड की जैसे कईयों कान गिरे हुए होते हैं, उनको खड़े करने के लिए अलग टाइप की टेपिंग होती है, तो वो मैं पार्ट टू में दिखाऊंगा विद ऑल योर क्वेश्चंस। तो आपको ये मेरी वीडियो कैसे लगी मुझे कमेंट करके जरूर बताना है। नए लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब करना है और सभी मेरी वीडियोस को अपने व्हाट्सएप ग्रुप के अंदर शेयर किया करो और सभी अपने फ्रेंड्स को कहो मेरा चैनल सब्सक्राइब करने के लिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।